Hey guys, welcome back to our YouTube channel, We're Building Good Guys. So, आज कोई भी कुर्ती सेट मैं आपको नहीं दिखाऊंगी. आज मैं दिखाऊंगी टू पीस क्लोथिंग सेट्स जो लोग कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ इंडियन वेयर दिखाते हो और वेस्टर्न वेयर नहीं दिखाते हो, इन्हों वेस्टर्न नहीं दिखाते हो. तो मैं इसलिए लेकर आई हूँ आपकी कमेंट की वजह से इंडो वेस्टर्न हॉल. सो मैं दिखाऊंगी क्रॉप टॉप के साथ स्कर्ट और श्रग के साथ क्रॉप टॉप, फिर गॉन टाइप टू पीस सेट. तो डिफरेंट हॉल होगा ये. जितने भी प्रोडक्ट्स है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई हॉल स्टोर पे मिलेगी. सो सारे लिंक्स के लिए प्लीज क्लिक कीजिए माई हॉल स्टोर, उसके अंदर आपको सारे लिंक्स मिलेंगे. सो जो भी ज्वेलरीज मैंने पहनी है उसका लिंक आपको माई ज्वेलरी कलेक्शन पे मिलेगी. और गाइज, ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में जरूर से बताना कि इस तरीके के और भी हॉल्स आप देखना चाहते हो, आपको हॉल कैसी लगी, फीडबैक जरूर देना. और ये जो सेट मैंने पहना है ये मैंने ऑफलाइन लिया है रिलायंस ट्रेंड से. विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. माई फर्स्ट आइटम इज दिस बर्गंडी एंड पिंक क्लोथिंग सेट, जिसपे आपको राउंडिंग मिल रही है, प्लेटेड डिटेलिंग मिल रही है, लॉन्ग स्लीव मिल रही है. इसकी फ्लेयर आप देख सकते हैं, नॉर्मल फ्लेयर है. स्लीव्स बहुत ज़्यादा प्यारी है इसकी, मुझे इसकी स्लीव्स बहुत सुंदर लगी. बॉक्स डिज़ाइन बनी हुई है, प्लीट्स भी बनी हुई है. एंड गाइज, इसका जो मटेरियल है ब्लाउज का वो सैटन मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. एंड इतनी फ्लेयर है लाइक आप इसे ट्यूनिक पे भी वेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप स्कर्ट के साथ ही वेयर करो. इस टॉप को आप जीन्स के साथ, प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हैं कैजुअल डेज पे. और जो ज्वेलरी मैंने पहनी है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी. सो इसके साथ ये लहंगा आती है जिसकी फ्लेयर बहुत ज्यादा नहीं है. एंड इस पे भी बॉक्स डिजाइन बनी हुई है पर्पल एंड गोल्डन में. सो लहंगा का फैब्रिक आर्ट सिल्क है, ब्लाउज का फैब्रिक सैटन है, लहंगा पे लाइनिंग भी आ रही है, उसका फैब्रिक सैंतून है. आपको बहुत ही क्लोजली मैं मटेरियल एंड डिजाइन दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से ये दिख रही है. ईयरिंग्स जो मैंने पहनी है वो मैंने ऑफलाइन लिया है, बट नेकलेस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मुझे ये सेट बहुत ज़्यादा पसंद आई. आप इस स्कर्ट को किसी ब्लाउज के साथ लाइक ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हैं. आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताएं. और हाँ, टॉप सी थ्रू नहीं है और लहंगा पे भी इनर लाइनिंग है तो वो भी सी थ्रू नहीं है. बहुत सुंदर है, 100% रिकमेंड करूंगी. और इसका प्राइस अभी 1800 है, बट सेल पे ये मुझे मिली है 1451 की. तो इतनी प्राइस इसकी जाती है. अगर अभी प्राइस बढ़ी हुई है तो आप वेट कीजिए और कम होते के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone and lonely darkness. नेक्स्ट सेट इज दिस थ्री पीस सेट. सो ये क्रॉप टॉप स्लीवलेस टॉप है, स्विस स्कर्ट है और ये ऊपर से श्रग आती है. टॉप फैब्रिक पॉलिस्टर है, बॉटम फैब्रिक विस्कॉस रेयन है. सो इसका सबसे प्यारा जो पार्ट है वो इसका जैकेट है. फ्रंट पे आपको एक बटन मिल रही है और जैकेट पे ये फ्लेयर वाली स्लीव्स मिल रही है जिसपे पाइपिंग भी बनी हुई है. और पूरे जैकेट पे आपको मिरर वर्क मिल रहा है जिसपे ग्रीन एम्ब्रॉयडर्ड वर्क करा हुआ है, जो गाइज जैसी फोटो में लग रही है एज इट इज़ लग रही है. और प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन के साइड पे मैं साथ ही साथ देते जा रही हूँ. बहुत सुंदर ड्रेस है ये. लाइक जब मुझे रिसीव हुई थी तो सच में उतनी प्यारी नहीं लगी थी, बट पहनने के बाद बहुत ऑसम लगी. और इसकी जो स्कर्ट की जो छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए, कलरफुल फ्लावर्स बने हुए हैं, पिंक येलो, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है. इसका जो टॉप है ये मैंने इन करके पहना है. इसका टॉप थोड़ा सा लॉन्ग है, वो मैं आगे आपको वीडियो में डिटेल में दिखाऊंगी. ईयरिंग्स जो मैंने पहने हैं वो शीन से है, उसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी. हील्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई. लाइक अगर आप चाहे तो आप एक दुपट्टा लेके इसे फुल इंडियन वेयर भी बना सकते हैं, वो इतनी ही ज़्यादा प्यारी लगेगी. जो जैकेट है वो थोड़ा सी थ्रू है, बट टॉप और स्कर्ट बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. साइड स्लिट के साथ जैकेट आ रही है, लाइक हाई साइड स्लिट है दोनों तरफ और फ्रंट से भी, तो बहुत सुंदर लुक दे रही है. आप चाहे तो किसी प्लाजो में भी वेयर कर सकते हैं या इस जैकेट को आप जीन्स पे भी डाल सकते हैं टॉप के साथ. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी. और बहुत ही क्लोजअप में आपको इसके जो प्रिंट्स है वो दिखा रही हूँ. येलो पिंक पे प्रिंट बनी हुई है, ब्लैक बनी हुई है, बहुत सुंदर लग रही. कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है, स्कर्ट की फ्लेयर बहुत सुंदर है. 100% रिकमेंड करूँगी. Stop this conversation.
माई नेक्स्ट आइटम इज वेरी ब्यूटिफुल ब्लैक एंड बीच कलर की क्लोथिंग सेट जिसपे मेरा साइज मीडियम है गाइज. जितने भी मैंने अभी आपको ड्रेसेस दिखाए सब पे मेरा साइज मीडियम है. सॉरी मैं पहले मेंशन करना भूल गई. इसकी जो स्लीव्स है मुझे बहुत प्यारी लगी. हाफ में बैलून बना हुआ है एंड पूरी प्रिंटेड प्लाजो है. बॉटम फैब्रिक 100% कॉटन है गाइज. बहुत कंफर्टेबल है. उस पर जो प्रिंट्स बनी हुई है कलरफुल ब्लू बीच ब्लैक रेड वो बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन बहुत खिलकर एक्चुअल में आ रही है. सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है तो उसका कोई भी टेंशन नहीं कि शॉर्ट टॉप है तो सी थ्रू रहेगा. बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. एंड फ्लेयर आप देख सकते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे आपने स्कर्ट पहना हुआ है. इतनी ज़्यादा फ्लेयर है. मुझे बहुत पसंद आई. एंड इसका स्पेशली ब्लैक टॉप पे जो एम्ब्रॉयडर्ड वर्क करा हुआ है पूरे नेकलाइन पे वो मुझे एक्चुअल में गाइस बहुत ज़्यादा सुंदर लगी. एंड आप देख सकते हो ये कितना खिलकर ये ड्रेस आ रहा है. इस पर अगर आप बहुत सारे सिल्वर ज्वेलरी डालोगे ना तो ये बहुत अच्छी लगेगी. पूरी फुल बोहेमियन लुक लगेगी. बट फ्यूचर में मैं डालूंगी. अभी मैं इसे सिंपल रखना चाहती थी. हील्स की लिंक आपको माई हॉल स्टोर पर मिल जाएगी. और आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में ज़रूर से बताएं. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई. टॉप फैब्रिक 100% रेयन है और बॉटम फैब्रिक कॉटन है. नेक्स्ट आइटम इज दिस वेरी ब्यूटिफुल टू पीस सेट. इस पर आपको रेड कलर का टॉप मिल रहा है और पर्पल कलर का आपको स्कर्ट मिल रहा है गाइज जो बहुत सुंदर है. टॉप फैब्रिक प्योर सिल्क है. बॉटम फैब्रिक भी प्योर सिल्क है. उस पर आपको स्कर्ट पे इनर लाइनिंग मिल रही है. ये डिज़ाइन है जो वो बहुत ही ज़्यादा जिगजैग वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सोनम ने अपने रिसेप्शन पे भी कुछ ऐसे ही जिगजैग पहना था. तब से बहुत इन है. और ये जो पर्पल है वो वेलवेट नहीं है. वो सिल्क का ही मटेरियल है गाइज. जो वेलवेट टाइप भी लग रहा है जो बहुत सुंदर है. उस पर कॉम्बिनेशन रेड ब्लाउज दिया है तो थोड़ा ऑल्टर अजीब सा कॉम्बिनेशन है बट बहुत सुंदर है. इस पर भी मेरा साइज मीडियम है. जो नेकलेस मैंने पहना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ये दुपट्टा मैं बहुत सारे हॉल्स वीडियो में वेयर कर चुकी हूँ. इंडिया ब्रांड से है. मेरी फेवरेट दुपट्टा है ये. मैं बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ. आप चाहे तो इसे इंडो वेस्टर्न भी रख सकते हो लाइक सिर्फ क्रॉप टॉप और स्कर्ट के साथ. मैंने दुपट्टा डालकर आपको दिखाया है क्योंकि मुझे इस तरीके से पसंद आ रही है. टॉप थोड़ी लूज हो रही है सो मैंने पिनअप करके पहना है. आप जरूर बताएं कि आपको कमेंट में कैसी लगी. एंड ब्लाउज पे आपको फ्रंट पे इस तरीके के बटन्स पे मिल रहे हैं. राउंड नेक है. कट थोड़ी ब्लाउज ये आपको मिंत्रा के पेज पे अच्छे से नजर आएगी. आप एक बार जरूर चेक करें. एज इट इज आपकी डिजाइन मिलेगी. थोड़ी सी लूज होने की वजह से मैंने पीछे से पिनअप करा हुआ है. और फ्लेयर जो है लहंगे की बहुत अच्छी है. बहुत मस्त है तो मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी. इस पे और एक और कलर ऑप्शन है तो आप वो जरूर चेक करें. मैं लिंक में माई हॉल स्टोर पे दे दूंगी. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. My next item is this. टू पीस सेट. सो गाइज इसका जो ब्लाउज है वो थोड़ा डिफरेंट है. टॉप फैब्रिक नेट है. बॉटम फैब्रिक भी नेट है. स्कर्ट पे आपको इनर लाइनिंग मिल रही है और कुछ इस तरीके से प्रिंट बनी हुई है. फॉइल काइंड ऑफ सिल्वर प्रिंट जो बहुत सुंदर है बट ये निकलने वाली प्रिंट्स नहीं है. आप इसका ब्लाउज एक बार मिंत्रा के पेज पे ज़रूर चेक करें. आपको बहुत अच्छे से नजर आएगी. तो ये बेल्ट बनी हुई है स्कर्ट पे कुछ इस तरीके से. सेम डिज़ाइन आपको यही नेकलाइन पे भी मिल रही है. नेकलाइन इसकी थोड़ी डिफरेंट है. वी काइंड ऑफ शेप या फिर मैं एल काइंड ऑफ उल्टा एल बोल सकती हूँ. आई डोंट नो. मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ बट थोड़ा नेकलाइन इसका डिफरेंट है बैक से भी फ्रंट से भी. बट आपको मिंत्रा के पेज पे बहुत अच्छे से नजर आएगी. मुझे ऑल दो कंफर्टेबल नहीं लगा इसका ब्लाउज. थोड़ी सी अंदर से टाइट हो रही है. कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है जो कंफर्टेबल नहीं है वेयर करने पे. माइट भी मेरा साइज गलत हो या फिर कोई प्रॉब्लम. आई रियली डोंट नो. बट हाँ लुक इसकी बहुत अच्छी लग रही है. आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं. मटेरियल बहुत अच्छा है. प्राइस वगैरह बहुत अच्छा है. साइज मेरा मीडियम है. डिज़ाइन बहुत अच्छी है. थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है मैंने. इस वजह से शायद मुझे कंफर्टेबल नहीं हो. मुझे इस पे लार्ज लेना चाहिए क्योंकि अंदर की जो इनर लाइनिंग है वो थोड़ी सी टाइट हो रही है. बट हाँ बहुत ही सुंदर ड्रेस है. आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट पर ज़रूर से बताएं. हील्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड इस पर मैंने सेम ईयरिंग पहना है जो अभी सेट पर मैंने आपको दिखाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. और ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि कौन सी ड्रेस अच्छी लगी. बाय गाइस.